बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की पढ़नी है। आप लोगों को पता है ग्लूकोज जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है, बोट फॉर्म स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है और चेयर कॉन्फ़िगरेशन में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसमें जो साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। ओपन स्ट्रक्चर और चेयर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती हैं, लेस स्टेबल होती हैं, वो क्या करती हैं, लेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। दिस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के ग्लूकोज जो है या शुगर जो है या मोनोसेक्राइड जो है लीनियर से साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसको हॉवर्ड्स एक साइंटिस्ट था, उसने 1929 में इसको क्या किया था, सजेस्ट किया था। उसने कहा था कि एल्डिहाइड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले जो सिक्स कार्बन शुगर होती हैं, सिक्स मेंबर्ड शुगर होती हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो है, उनमें जो रिंग बनता है वो सिक्स मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में क्या कर रही होती हैं, एग्जिस्ट कर रही होती हैं। उस सिक्स मेंबर्ड रिंग को अगर देखें, उस सिक्स मेंबर्ड रिंग के अंदर फाइव क्या होती हैं, कार्बन होती हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन होती हैं और एक उसमें क्या होता है, हेट्रो एटम होता है। दिस ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बन जाएगी, सिक्स मेंबर्ड जो रिंग बनेगा उसको हम पायरानोज कहेंगे। उस सिक्स मेंबर्ड रिंग को हम क्या बोलेंगे, पायरानोज। ये पायरेन से निकला हुआ है, ये हमारे पास क्या है, पायरेन एक रिंग की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी सिक्स मेंबर्ड रिंग है, इसमें क्या है, फाइव कार्बन और एक हेट्रो एटम ऑक्सीजन है। इसी तरह का रिंग जो है वो क्या एग्जिस्ट कर रहा होता है, मोनोसेक्राइड एल्डिहाइडिक शुगर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, पायरानोज। ठीक है, अगर ये सिक्स मेंबर रिंग ग्लूकोज में एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा देन इट इज़ कॉल्ड ग्लूको पायरानोज, तब हम ग्लूकोज को हम क्या कहेंगे, ग्लूको पायरानोज। इसमें पहले होता क्या है, जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन होती है, ठीक है, फंक्शनल इन केस ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होती है, जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन वो कन्वर्ट हो जाती है हेमी एसीटाल में, कन्वर्ट हो जाती है, वो क्या होती है, हेमी एसीटाल में कन्वर्ट हो जाती है। हेमी एसीटाल के कन्वर्जन क्या होती है, जब कार्बन नंबर 5 पे, ग्लूकोज के केस में जो कार्बन नंबर 5 है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप वो रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 1 के साथ, तो वो कार्बन क्या कन्वर्ट हो जाती है, हेमी एसीटाल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही वो हेमी एसीटाल में कन्वर्ट होती है तो वो क्या बन जाती है, कायराल कार्बन बन जाती है, और उस केस में हम वो जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन होगी उसको हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन। फिर जो है जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में जो राइट साइड पे जो ग्रुप्स मौजूद हैं एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के, ठीक है, ये जो एसिमेट्रिक कार्बन के इर्द गिर्द जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, जो राइट साइड पे फंक्शनल ग्रुप हैं वो साइक्लिक फॉर्म में जब जाएंगे तो ये क्या होंगे, डाउन द रिंग होंगे, साइक्लिक फॉर्म में क्या होंगे, डाउन द रिंग। और जो लेफ्ट साइड पे फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हैं वो जब ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो अप द रिंग रहेंगे। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्स्ट कार्बन जो है ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, मीन एल्डिहाइडिक ग्रुप या कार्बोनाइल कार्बन है। इसमें क्या होता है, कार्बन नंबर 5 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये क्या करता है, इसके साथ लिंकेज बना लेता है,
इसके साथ जैसे ही लिंकेज बनाएगा तो ये वाली कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एनोमेरिक कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, मूव कर सकते हैं, इनको किसी भी शेप में क्या किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। कार्बन नंबर 4 पे जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है या 3 पे है या 2 पे है, ये वाले भी फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके नतीजे में जो रिंग बनेगा वो फाइव मेंबर रिंग या 4 मेंबर या 3 मेंबर जो रिंग बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, जिसकी वजह से वो फिर दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब कार्बन नंबर फाइव का हाइड्रोक्सल ग्रुप इस फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में जो रिंग बनता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, जिसकी वजह से मोस्टली जो ग्लूकोज होता है वो क्या करता है, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इसके कैसे कन्वर्ट है, जो राइट साइड पे ग्रुप्स हैं वो जब साइक्लिक फॉर्म में जाएंगे तो वो डाउन द रिंग होंगे और जो लेफ्ट साइड पे रिंग हैं वो अप द रिंग जाएंगे। कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 1 इस रूल में क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। उसके बाद इसको ड्रा हमने कैसे करना है, पहले 90 के एंगल पे इसको रोटेट कर लेना है, इस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को 90 के एंगल पे रोटेट करके ड्रा कर लेना है, ठीक है। ये हमारे पास अब यहां जो राइट साइड पे ग्रुप्स थे वो डाउन द आ गए, डाउन द प्लेन, और जो लेफ्ट साइड पे ग्रुप्स हैं वो अप द प्लेन आ गए। कार्बन नंबर 6 और 1 इसमें क्या है, एक्सेप्शनल है इस रूल में। नेक्स्ट जो है ये अपने आप को क्या कर रहते हैं, ये बॉन्ड्स कार्बन नंबर कार्बन कार्बन के दरमियान ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, तो ये अपने आप को क्या कर रहते हैं, अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर हमने क्या करना है, जो कार्बन नंबर 5 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है, 6 पे प्राइमरी अल्कोहल है और फिर 5 पे जो हाइड्रोक्सल है, इनको हमने क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्या कर लेना है, रोटेट कर लेना है, वन टाइम इसको क्या कर लेना है, हमने रोटेट कर लेना है। जैसे ही रोटेट करेंगे हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे चला जाएगा और ये वाली हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी और उसके नतीजे में रिजल्टेंट जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी। अब यहाँ देखते हैं ये वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप इस कार्बन नंबर 1 या जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है इसके पास आ गया। अब इस कार्बन नंबर 5 पे जो अल्कोहलिक ग्रुप था वो कार्बन नंबर 1 के क्या आ गया, नजदीक आ गया। जैसे ही इसके नजदीक आए, इस पे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेगा, इस कार्बन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगी, लिंकेज बन जाएगी। कार्बन और ऑक्सीजन में जैसे ही लिंकेज बनेगी तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी और इस ऑक्सीजन के दरमियान जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहां इसके दरमियान लिंकेज बन गई, यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब ये वाली हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगी, रिएक्ट कर लेगी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी OH में और उसके नतीजे में हमारे पास ये वाली रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगी। यहां जो हाइड्रोक्सल ग्रुप की पोजीशन होगी, ये वाला जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है इसकी पोजीशन हम इसको वेवी बॉन्ड से शो करेंगे। वेवी बॉन्ड से मुराद इसकी डायरेक्शन, इस हाइड्रोक्सल ग्रुप की डायरेक्शन अप द प्लेन भी हो सकती है और डाउन द प्लेन भी हो सकती है। क्यों?